इसका आपका पूरे जिंदगी से मतलब है, पूरे लाइफ से मतलब है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको यदि आपने ध्यान से सुन लिया और समझ लिया तो आप कभी भी किसी भी फील्ड में फेल नहीं होगे, इस बात की 100% गारंटी है। जिंदगी में आपको सिर्फ दो ही चीज सीखना है, जिंदगी में आपको सिर्फ दो ही चीज सीखना है। नंबर एक, आपका कोई यूज ना करे। नंबर एक, आपका कोई यूज ना करे। और नंबर दो, दूसरे का यूज कैसे किया जाता है ये सीख लो। यदि आपने दूसरे का यूज करना सीख लिया और आपका यूज ना हो इससे आपने बचने के लिए सीख लिया तो जिंदगी सफल होगी। फॉर द एग्जाम्पल, भगवान कृष्ण, उन्होंने बहुत सारे जंग जीते लेकिन कभी वो हथियार नहीं उठाए, ना हथियार तो उठाए लेकिन अपनी आर्मी को लेकर के नहीं गए। जहां पर गए उसी में से दो चार को तोड़े और उसी से उसको मरवा दिए। पूरा महाभारत का खेल उन्होंने खेला, हथियार नहीं उठाया, उन्होंने यूज किया। एक छोटा सा एग्जांपल, मैं आपको कहता हूं कि आज्ञाकारी बने, शिष्टाचारी बने। आपके घर में आपके पेरेंट्स कहते हैं ये काम करो वो काम करो, वहां पर आपका यूज हो रहा है। मैं आपका यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पेरेंट्स की कहना ना माने, टीचर की कहना ना माने, जरूर माने लेकिन एनालिसिस करें। कोई जरूरी नहीं कि हर बार मैं आपको सही काम करने के लिए कर रहा हूं, कोई जरूरी नहीं कि आपके फ्रेंड आपको हर बार सही काम करने के लिए कर रहे हैं। आप इंसान हैं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यूज ऑब्जेक्ट का किया जाता है, नॉन लिविंग का किया जाता है, लिविंग का नहीं किया जाता है। भगवान ने आपको दिमाग दिया है क्यों? ताकि उस दिमाग का खुद हम यूज करें और उस दिमाग की वजह से हम लोगों से काम करवाए। हाँ, बिल्कुल निस्वार्थ काम करना है, निस्वार्थ यूज करना है। आपको मैं कह रहा हूं कि पढ़ो, बिल्कुल नहीं पढ़ना। आप कोई ऑब्जेक्ट तोड़े कि मैं जो कहूंगा वही करेंगे। आपको अपने बारे में सोचना है कि मुझे क्या करना है। किसी के कहने से कोई काम मत करो। मैं आज नहीं, जब भी आप मेरे से मिलोगे हर बार मैं यही कहूंगा, किसी के कहने से ना तो पढ़ो ना तो कोई काम करो। यदि आपका दिल करे तो उसको करो, ना करे तो ना करो। लेकिन हाँ, ये जरूर सोच लेना कि जो आप कर रहे हो वो तुम्हारे लिए फायदेमंद है या नहीं। यदि वो आपके लिए फायदेमंद है, वो आपके लिए बेनिफिशियल है तो उस काम को जरूर करो। येन केन प्रकारन, किसी भी सूरत में वो काम पूरे होने चाहिए लेकिन वो आपका दिमाग बोलना चाहिए। आप रबड़ के मोहर नहीं है कि जहां मर्जी हुआ वहां पर स्टाम्प लगा दिए। मैंने कहा कि हाँ भाई इसके ऊपर जरा सिग्नेचर करना, तो आप वहां पर मेरे से पूछिए कि सर जी क्यों सिग्नेचर करना है, आप मुझे कन्विंस करो, आप मुझे एक्सप्लेन करके समझाओ, फिर मैं सोचूंगा कि मुझे यहां पर सिग्नेचर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं कि पढ़ो, आपके पेरेंट्स आपको कह रहे पढ़ो, आप उनसे पूछिए कि क्यों पढ़ूं, नहीं पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा। यानी कि कुछ काम करने के लिए मैं पढ़ाई वर्ड ही यूज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यदि आपको सही इमेज दिखाना है तो उल्टा ऑब्जेक्ट रखना ही पड़ेगा।
फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, जब हम मिरर के सामने खड़े खड़े होते हैं तो हमें उसमें अपना उल्टा इमेज दिखाई पड़ता है। तो मैंने यहां पर क्या किया, ऑब्जेक्ट को ही उल्टा कर दिया ताकि आपको इमेज सही दिखाई पड़ सके। मैंने आपको यहां पर ये क्यों कहा कि यदि मैं आपको कहूं कि पढ़ो तो पहले वहां पर सोचो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर दो। अब मैं आपको हिस्ट्री का बुक ला करके दे दूं और मैं कहूं कि ये पढ़ लो, ठीक है सर जी, लेकिन इसके पढ़ने से मुझे फायदा क्या होगा? अब आप उस योग्य हो चुके हैं कि जो आप अपने बारे में अच्छा भला बुरा सोच सकते हैं। आप जो भी कर्म करेंगे उसका फल आपको मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा, आपके पेरेंट्स को नहीं मिलेगा। गर्म तवे के ऊपर हाथ यदि मैं रखूंगा तो जलन मुझे होगी, दर्द का एहसास मुझे होगा, किसी और को नहीं होगा। लोग कहते हैं कि ये काम करो तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, कभी नहीं धुलते, याद रखना। हाँ, मरहम लगाने से वो ठीक जरूर होता है, यानी कि उस गलतियों का हम पश्चाताप करते हैं। लाइफ में तुमसे जितनी भी गलतियां हो खुश हो जाना, क्योंकि जब तक तुम गलती नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं। लेकिन साथ में एक बात और भी याद रखना कि जो गलतियां तुमने की उन गलतियों को भूल मत जाना, उन गलतियों को तुम याद जरूर रखना। जो गलतियां आपसे हो रही है उन गलतियों को आप याद जरूर रखना, एनालिसिस करना, अपना माइंड एनालिटिकल बनाओ। आप पानी ही पीते हो तो पानी पीने से पहले सोचो, एनालिसिस करो, ये कैसा पानी है, कहीं इसमें पहले से कुछ मिला हुआ तो नहीं है। वहमी मत मानो, वहम मत पालो, यह एक दर्शन है, यानी यह एक फिलॉसफी है। बात समझ में आ रही है? तो अब आप इस मुकाम पर पहुंच गए हैं, यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं सभी इलेवेंथ के हैं, नॉन मेडिकल के हैं, पेरेंट्स परेशान हैं, टीचर परेशान है, बच्चा नहीं पढ़ रहा है। यदि आपका दिल करता है नॉन मेडिकल पढ़ने का तो आप नॉन मेडिकल पढ़े, नहीं मन करता है तो ना पढ़े, जो मन करता है वो पढ़ो। अब मान लीजिए कि आपका इंटरेस्ट आर्ट्स या कॉमर्स में या गेम में या म्यूजिक में कहीं और जगह है तो अपना टैलेंट वहां पर शो करो, रास्ता वो चुनो जो कि आपको अच्छा लगे, क्योंकि चलना आपको है, ना तो आपके टीचर को चलना है ना तो आपके पेरेंट्स को चलना है। मैं टीचर हूं, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं, मुझे घर चलाने हैं, मुझे पैसे चाहिए, इसलिए मैं लेक्चर दे रहा हूं। अब ये देखिए कि आपको मेरी इस लेक्चर से बेनिफिट हो रहा है तो लेक्चर को सुनो। लग रहा है कि कोरा बकवास है, कोई जरूरत नहीं किसी लेक्चर की, और किसी के मोटिवेशन से कोई भी मोटिवेट आज तक नहीं हुआ, याद रखना आपको अपना मोटिवेटर खुद बनना पड़ेगा। जब तक आप अपना खुद मोटिवेट अपने आप को खुद मोटिवेट नहीं करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो कि आपको मोटिवेट कर दे। और मोटिवेट होने का मात्र एक रास्ता है, मैं एक तरीका बता रहा हूं। मैंने पूरे साल आप लोगों को पढ़ाया, मैंने यह एनालिसिस किया कि कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे लापरवाह हैं, तो लापरवाही का कारण क्या है मैं वो ढूंढने की कोशिश किया और ये सब ध्यान में लाया और फिर मैं आपके सामने आ गया इस टॉपिक को लेकर। तो मेन पॉइंट यही है, फिर लास्ट में मैं बोल रहा हूं आपको जिंदगी में सक्सेस होना है दो चीज सीख लो, एक तो तुम्हारा कोई यूज ना करे, तो आपका यूज कब नहीं करेगा जब आपके पास दिमाग होगा,
जब वो भी दिमाग आपका एनालिटिक होना चाहिए, आप एनालिसिस कर सके। आपके सामने कोई आया, अब मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल, मेरे घर में मेरे बच्चे कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए, मैं घर में अकेला हूं, मैं कैसे यूज करूंगा, सुन लो। अब रोटी कौन पका करके देगा? मैं अजय सर के घर फोन करूंगा और अजय सर को फोन नहीं करूंगा, उनके मम्मी जी को फोन करूंगा। मैं कहूंगा मम्मी जी जमाना बहुत खराब है, क्या हुआ बेटा, आज की औरतें पति की सेवा ही नहीं करती, देखिए दो दिन के बाद आई थी, दो दिन पहले और फिर दो दिनों से वो चली गई मैं के। जानती है क्यों? कि खाना ना बनाना पड़े, अब आपके बेटे को यहां खाना पकाना पड़ रहा है। तो अजय सर की मम्मी क्या बोलेगी? ना बेटा तो चिंता मत करियो, मैं अजय का हाथ तेरा टिफिन भेज दूंगा, भेज दूंगी, अपना काम हो गया। यस सर, यस सर। मैंने क्या क्या यूज किया, मान लीजिए एक दो दिन टिफिन आया, नरेंद्र मोहन वर्मा सर उनके घर मैंने फोन कर दिया, उनकी मिसेज को मैंने फोन किया, मैंने कहा भाभी जी ओ आप जो पिछले साल वो सब्जी बनाई थी इतना स्वादिष्ट था, आज तक मैं उंगलियां चाट रहा हूं, आज तक मैं उंगलियां चाट रहा हूं। तो वो क्या बोलेंगे, आप तो आते ही नहीं हो, तो मैं कहूंगा आप बुलाती ही नहीं। मोहन भाई नाराज हो जाएंगे, कहेंगे होने दीजिए नाराज, आप आ जाइए। उनको क्या पता सब्जी का स्वाद क्या है, सब्जी का तो स्वाद आप लोगों को पता है, आइए। अपना काम हुआ। ये मैंने कहा हाउ टू यूज, मैंने क्या क्या यूज किया, मैंने क्या क्या यूज किया। अब यहां पर देखो, मैं अपना रियल लाइफ का एक कहानी सुना रहा हूं, बिल्कुल हकीकत। विद्या तीन तरीके से आती है, नॉलेज तीन तरीके से आते हैं, नंबर एक विद्या से विद्या, नंबर दो धन से विद्या, और नंबर तीन सेवा से विद्या। दोबारा सुन लें, यही तीन चीज मेरे गुरुजी मुझे सिखाए थे और आज मैं यहां पर खड़ा हूं। अब विद्या से विद्या का मतलब, मैं लेक्चरर हूं, मेरा बेटा पढ़ने में अनपढ़ है, निकम्मा है, नहीं भी चाहते हुए मैं उसे एमएससी करा दूंगा। क्यों? विद्या से विद्या। अगली बात समझ में कि जिस माहौल में वह रह रहा है वहां पर एजुकेशन का ही माहौल है, टॉप में ना आए 60% से तो पास जरूर हो जाएगा। नंबर दो धन से विद्या, आपके घर में आपको पढ़ाने वाले कोई नहीं है, आपके घर में पढ़े लिखे लोग नहीं है, लेकिन पैसे की परमात्मा की दया से कोई कमी नहीं है। आपने कहा कि जी फलाने का मुझे ट्यूशन पढ़ना है, पेरेंट्स बोलेंगे कितनी फीस है, आप कहेंगे 30,000, ले जा 60,000 मास्टर जी को दे दियो, कहना कि 1 घंटा जो पढ़ाते हैं और फिर 1 घंटा अलग से डाउट्स के लिए। पारस सर तो भाग करके आएंगे भाई पढ़ाने के। बात समझ में आई? यस सर। क्योंकि जहां लक्ष्मीकांत वहां प्यारे लाल। आज के टाइम में प्यारे वे होते हैं जहां लक्ष्मी होती है। यस सर। लक्ष्मी नहीं तो हमें आपसे प्यार नहीं। यस
ठीक है। नंबर दो, तीन सर। तो ये मैंने आपको बताया कि विद्या से विद्या किस तरीके से आती है, धन से विद्या किस तरीके से आती है। नंबर थर्ड, आपके पास पैसे भी नहीं है, आपके घर में कोई पढ़ाने वाले नहीं है, उस तरीके का एजुकेशन का कोई माहौल नहीं है, तो उस केस में आपको अपने आप को इतना मोटिवेट करना होगा, एक गोल तैयार करना होगा, एक टारगेट बनाना होगा कि हमें किसी न किसी तरीके से ये चीज हासिल करना है, हमें पढ़ना है। अब पढ़ने के लिए तो भाई पैसे चाहिए, बुक खरीदने के लिए पैसे चाहिए, क्या करेंगे? सेवा। अब सेवा कैसे करेंगे? अब जो टीचर आपके स्कूल में पढ़ा रहे हैं या आपके पड़ोस में, मान लीजिए आप गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट हैं, ठीक है, ए, पैसा होता तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ लेते, पैसा तो है ही नहीं। या मान लीजिए कि किसी तरीके से पेरेंट्स आपके स्कूल की तो फीस दे रहे हैं, बाकी एक्स्ट्रा खर्च के लिए पैसे नहीं होंगे, तो आप क्या करेंगे? अपने टीचरों के साथ, गुरुजनों के साथ अच्छा संबंध बनाएंगे, उनका रेस्पेक्ट करेंगे, उनके दिल में एक ख्याल आएगा कि चलो जहां इतने बैठे वहां एक और बैठ गया। टीचरों को स्पेसिमेंस बुक मिलते हैं हर साल, कम से कम मुझे तो 10-15 हज़ार की बुक्स मिलते ही है, हर पब्लिशर हर साल मुझे बुक देकर के जाते हैं, हाँ हाँ भाई ले जा पढ़कर फिर वापिस कर दिया, बुक का खर्चा बच गया, बुक का खर्चा बचा, ट्यूशन फीस बच गया। जिस बच्चे को पैसे देकर के, पैसे लेकर के पढ़ाते हैं उससे ज्यादा आपको फ्री में पढ़ाएंगे, क्योंकि हर एक आदमी रेस्पेक्ट चाहता है। आपको अपनी जिंदगी में चार तरह के लोग मिलेंगे, आपसे बड़े, आपके बराबर के, आपसे छोटे, और कुछ आपसे छोटे होंगे जो कि फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग होंगे। अब किसके दिल को किस तरीके से जीतना है, ये कला सीखना बहुत जरूरी है। अब सबों की हम सेवा तो नहीं करेंगे ना, तो पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है, ये चेंज हो जाता है कि किसको किस तरीके से जीतना है, क्योंकि हमारा एक ही टारगेट है कि सामने वाले का यूज में कैसे करें, सामने वाले का हम यूज किस तरीके से करें, यही तो सीखना है। अब यदि मान लीजिए कि कोई बड़े हैं तो उनका रेस्पेक्ट करेंगे, कोई बराबर का है उसे दोस्त बनाएंगे, कोई बराबर का है उसे हम दोस्त बना लेंगे, कोई दुष्ट है, कोई दुष्ट है उसके साथ हम चाल चलेंगे, अब वो मेरे से ताकतवर है, दुष्ट प्रवृत्ति का है, इसीलिए कहा गया है साम दाम दंड भेद। अब मान लीजिए कि ये जो पेन है, जो मेरे हाथ में ये पेन देख रहे हैं, ये पेन मुझे पसंद है, मुझे ये पेन चाहिए, ठीक है, और मैंने इस बच्चे से कहा कि बेटा ये मुझे पेन दे, ये पेन दे दो का मतलब क्या हुआ? मैं इससे प्रार्थना कर रहा हूं, इसे कहते हैं साम, इसे क्या कहते हैं? साम। ये बोली कि नहीं सर ये तो पेन में आपको नहीं दे सकता। मैंने पूछा इस पेन की कीमत क्या है? सर जी 2 रुपये या 5 रुपये। मैंने कहा चलो 500 रुपये ले लो, अब पसंद है मुझे, जब मुझे पसंद है तो वहां पर पैसे की कोई कीमत नहीं है, वहां पर ये जो 5 रुपये का पेन है, मैंने कहा ये 500 रुपये लो, मैंने दाम दिया, पहला क्या था? साम, दूसरा क्या हुआ? दाम। ये बोली कि नहीं बेचती, आपको खरीदना है दुकान से खरीदो, साम और दाम दोनों फेल हो गया। दंड,
तीसरा रास्ता दंड। पेन नहीं देगा? प्रैक्टिकल में पूछता हूं, ठीक है? पेन नहीं देगा नंबर तेरा काटूंगा। लेकिन ये इतनी जिद्दी है, काट लो जी। ये फेल हो गया। साम दाम दंड एक रास्ता बचा जिससे कोई नहीं बच सकता। तीसरा है भेद, चौथा है भेद। चलो बेटा रख लो, ये राजी हो गई। और इसी दूसरे दिन मैंने एक कहानी सुनी कि मेरा एक दोस्त था, बुढ़िया तेरा नाम क्या है? मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था कमल कांत, ठीक है? उसका राशि ये था और उसके राशि के हिसाब से शनि बहुत भारी था, शनि नीच था। शनि का जो प्यारा कलर होता है वो ब्लू और ब्लैक होता है। तो इस राशि के लोग यदि ब्लू या ब्लैक पेन का यूज करते हैं तो वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते हैं। क्या करेगी? ये पेन तुरंत फेंकेगी। और मैं क्या क्या समझ में आया क्या? तो आज किससे भाई था? Thank you.